डियर स्टूडेंट वेलकम टू एम स्टडी चैनल चेंजिंग द वेफ लर्निंग आज आप उनका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर डिस्कस करूँगा जिसको हिंदी में गुरुत्न श्रेणी के नाम से जाना जाता है तो ये गुरुत्त श्रेणी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किस क्लास में पढ़ना है इस पर थोड़ा सा आपके आपको इन्फॉर्म कर दें आई सी एस सी बोर्ड में टेंथ क्लास में सी बी एस ई बोर्ड में एलिन्थ में और सी में मीन्स बी सी बी एस में इलेवेंथ है और स्टेट बोर्ड के भी एग्ज़ाम जो होते हैं जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिए हैं बिहार बोर्ड ऐसे ऑल बोर्ड में पूछे जाते हैं लेकिन हम बिहार बोर्ड पे डिस्कस किए हैं क्योंकि हिंदी में टर्म भी कुछ कुछ बात करेंगे तो यहाँ बिहार बोर्ड में भी आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का चैप्टर्स है और आप केयरफुली इसको देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा जिसमें सबसे पहले हम बात किए हैं इसके डिफिनेशन के बारे में और इसका डिफिनेशन एक प्रॉपर वे में क्या हो सकता है तो डिफिनेशन इसका ये है कि अ सीक्वेंस ऑफ टर्म इन विच द रेशियो बिटवीन एनी टू कंसिक्यूटिव टर्म इज द सेम मीन्स किसी भी सीक्वेंस का जो दो सक्सेसिव टर्म के बीच का रेशियो है वही आपका जीपी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट नेम जीपी है एग्जाम्पल लिए हैं जैसे देखिए यहाँ पे वन और थ्री है यहाँ थ्री और नाइन है तो इस सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को अब आपको डिवाइड करना है या फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करना है तो देखिए तो इसका रेशियो इसका रेशियो इसका रेशियो रेशिय। सब एक दूसरे से सेम आते जाएगा और यही एक सीक्वेंस है लेकिन फिर भी मैं कुछ और वर्ड में इसको एक्सप्लेन किए हैं उसको भी आप देखें अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज अ सिक्वेंस विच एनी एलिमेंट्स ऑफ एनी एलिमेंट्स आफ्टर द फर्स्ट इज ऑफ टेन बाई मल्टीप्लाइंग द प्रिसडिंग एलिमेंट बाई अ कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड अ कॉमन रेशियो तो कॉमन रेशियो जो होता है वो क्या है कॉमन रेशियो विच इज डिनोटेड बाई ए स्मॉल आर कॉमन रेशियो को हम लोग स्मॉल आर से रिप्रजेंट करते हैं अब इसमें और भी कुछ टर्म के हम बारे में बात कर दें दस द रेशियो ऑफ टू कंसक्यूटिव टर्म Of this particular sequence, particular sequence is a fixed number. Such a sequence. च ए सीक्वेंस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोवेशन को आप जीपी लिख सकते हो और भी पॉइंट है द जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन इज द सीक्वेंस इन विच इन विच द फर्स्ट टर्म इज नॉन जीरो मींस जीपी का जो फर्स्ट टर्म होगा वो नॉन जीरो होगा एंड इच कंज्यूटिव Each consecutive term is derived by multiplying the preceding term. बाई by टर्म बाई quantity. तो आप इजी में इसके डिफिनेशन को समझ रहे हैं आप इसके एग्जाम्पल से कुछ बातें करके फिर हम आपको फॉर्मूला के तरफ ले चलेंगे डे स्टूडेंट आप केयरफुली एक बार अच्छे से इसको वॉच कर लें क्योंकि इसका डिफिनेशन ही आपके फॉर्मूला को बनाने में बहुत हेल्पफुल करेगा क्योंकि इसका डिफिनेशन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और समझना ऐसे इजी वे में समझाएंगे हम लेकिन फिर भी हेडिंग रहेगा द एंथ टर्म या फिर उसको जनरल टर्म ऑफ जीपी के नाम से जानेंगे हम लोग एंथ टर्म और जनरल टर्म जीपी में क्या हम करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता दें आपको कि फर्स्ट टर्म इसका जो होता है इसके फर्स्ट टर्म को तो यहीं से रिप्रेजेंट करते हैं और अब हम क्या लिखेंगे कॉमन रेशियो कॉमन रेशियो को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और हम आपको बताए थे कि मल्टीपल्स का काम करता है मीन्स इसका जो सेकेंड टर्म आएगा सेकेंड टर्म वो सेकेंड टर्म को क्या लिखेंगे फर्स्ट टर्म में कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकेंड टर्म मीन्स ए आर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और थर्ड टर्म की क्या बातें हैं थर्ड टर्म क्या हो जाएगा ए आर मीन सेकेंड टर्म में से सेकेंड टर्म इनटू कॉमन रेशियो तो सेकेंड टर्म आपका ए e है और इनटू कॉमन रेशियो तो ये क्या बन गया आपका ए आर स्क्वायर कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ऐसे अगर आप समझने में परेशानी हो रही है आपको तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे वन का वैल्यू रखना है मीन्स इस पर पावर वन रखना है इस पर पावर टू रखना है पावर थ्री रखना है और माइनस करते जाना है प्रिसीडिंग टर्म से तो वैसे भी आप समझ सकते हैं जैसे कि हम आपको सेकेंड पार्ट में क्या समझा सकते हैं सेकेंड टर्म में हम आपको ये समझा सकते हैं कि आप लिख सकते हैं इसको ए आर और ए आर को तो हम लिखे ही हैं, लेकिन इसको आप और कैसे लिख सकते हैं मीन्स ए आर और सेकेंड है तो टू माइनस वन फर्स्ट वाले को माइनस कर दिए तो इसको ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे तो ए आर ही आएगा तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं अब इसका फोर्थ टर्म क्या होगा तो फोर्थ टर्म को क्या लिखें? थर्ड टर्म में थर्ड टर्म जो आपका आया है इसमें कॉमन रेशियोस को इंटू कर देंगे तो आपका फोर्थ टर्म चला जाएगा कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं इसी फोर्थ टर्म को आप कैसे लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं ए आर फोर माइनस वन मीन्स ई आर थ्री ऐसे भी आप लिख सकते हैं दोनों फॉर्मेशन है तो ये फॉर्मेशन अगर हम कंटिन्यू देखते चले इन टर्म तक अगर मान लीजिए कि सपोज करिए कि हमको इस तरह से लिखना है टेंथ टर्म टेंथ टर्म जीपी को लिख, लिखना है तो क्या लिखेंगे ए आर टेन माइनस वन मींस ए आर नाइन कोई कंफ्यूजन नहीं या फिर नाइन्थ टर्म में से इनटू करेंगे तो इसके लिए यहाँ पे आपके पास है कोई कंफ्यूजन नहीं अब मान लीजिए सपोज करिए कि आपको फिफ्टीन टर्म लिखना है तो फिफ्टीन टर्म में क्या लिखेंगे आप ए आर फिफ्टीन माइनस वन मींस ए आर फोर्टीन बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं इसी प्रकार अगर आपको एंथ टर्म लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं टी एन या फिर एंथ टर्म एंथ टर्म या टी एन कुछ भी लिखें तो क्या लिखेंगे यहां पे? ए आर आर एन माइनस वन e आर माइनस वन है इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा e के साथ इसका रिलेशन नहीं है आर के साथ इसका रिलेशन है तो e आपका एंथ टर्म का जनरल फॉर्मूला हो गया जो आपके जीपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा अब इस सारे टर्म को अगर हम सीरीज में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं श्रेणी में मीन सीरीज में लिखना, लिख, लिख रहे हैं तो, तो सीरीज में लिखने के लिए इन अ सीरीज जीपी को ही लिख रहे हैं सीरीज में तो जीपी को सीरीज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ए ए प्लस ए आर ए प्लस ए आर स्क्वायर ए प्लस ए आर क्यूब एंडसोन प्लस प्लस क्या क्या लिखते रहेंगे ए आर एन माइनस वन तो इस जीपी का सीरीज में लिखा गया आप बिल्कुल ईजीओ में समझ रहे हैं अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे कि आपका क्वेश्चंस कैसे रहेगा अब डे स्टूडेंट एक इन्फॉर्मेशन और बता दें आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आप सर ए में तो बताए थे कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को देखते हैं मीन्स ए पी चेक करने के लिए थर्ड में से सेकेंड फोर्थ में से थर्ड इस तरह से तो आप जी में कैसे उस चीज़ को तो बताए ही नहीं तो हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ कॉमन रेशियो निकालने के लिए कॉमन रेशियो निकालने का जो सिस्टम है उसको भी हम बता देते हैं यहाँ आर से इंडिकेट करते हैं इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं उस ऐसे हम डिफिनेशन में बताए थे लेकिन फिर से तो कॉमन रेशियो निकालने के लिए या फिर जीपी को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म ऐसे तो कॉमन रेशियो निकल गया लेकिन अगर जीपी आपको चेक करना है जीपी चेक करना है आपको तो उसके इसमें क्या करेंगे ये इसके इक्वल होना चाहिए इक्वल टू तो यहां पे क्या लिख दें थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म मीन्स सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म इक्वल टू तो थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म फिर इक्वल टू तो भी आप लिख सकते हैं फोर्थ टर्म बाई थर्ड टर्म इस तरह से अगर आप जीपी को चेक करना चाहें तो जीपी चेक करने की यही सिस्टम है कि ये जो सीरीज है वो जीपी में है कि नहीं ये प्रोग्रेशन जीपी में है कि नहीं तो इसके लिए आपको यही सिस्टम को करना पड़ेगा तो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा इसलिए आप थोड़ा सा इसको केयरफुली वॉच करेंगे अब हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि अभी जो हम लोग एन्थ टर्म पे बातें कर चुके उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे रहेंगे और उसका सोलूशंस क्या हो सकता है क्वेश्चन देखेंगे फाइंड द नाइन्थ टर्म ऑफ वन फोर सिक्सटीन सिक्सटी फोर जी में फाइंड करना है तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है इस सीरीज में इस सीरीज में सबसे पहले आपको क्या लिखना है फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ए से तो आपका क्या है वन देन आपको क्या चाहिए कॉमन रेशियो और कॉमन रेशियो को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और एक कैसे निकालेंगे सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म या फिर आप लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इक्वल टू में थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म तब भी इक्वल नहीं आएगा दोनों से हम बता रहे हैं लेकिन आपको करना एक ही है ऐसे समझा रहे हैं तो सेकेंड टर्म आपका क्या है फोर फर्स्ट टर्म मीन्स कॉमन रेसि फोर आया चलिए अब अभी चेक कर लेते हैं थर्ड टर्म आपका सिक्सटीन है सेकेंड टर्म आपका फोर है तो भी आपका फोर ही आएगा मीन्स जीपी में है तो कॉमन रेशियो आपका आर हो गया कॉमन रेशियो आपका फोर हो गया अब आपको नाइन्थ टर्म फाइंड करना है यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है मीन्स का वैल्यू नाइन है तो आप क्या फार्मूला यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला फार्मूला यूज कर लीजिए क्या लिखिएगा टर्म इक्वल टू टी एन लिखे या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम मीन्स टी नाइन इक्वल टू ए आर एन माइनस वन ये टी एन है अभी टी एन लिखते हैं देन टी नाइन लिखेंगे टी नाइन ए ए मीन्स वन आर मीन्स फोर मीन्स नाइन और वन यहां कोई कंफ्यूजन नहीं तो ये क्या हो गया आपका वन इंटू अब यहां फोर हो गया नाइन माइनस वन एट हो गया पहले आपको इसको सॉल्व करना है देन वन में इससे इंटू करेंगे तो आ जाएगा फोर पावर एट और यही आपका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेयर स्टूडेंट राइट डाउन द फिफ्थ टर्म ऑफ दीरीज सीरीज का फिफ्थ टर्म लिखना है क्या होगा समझने का कोशिश करें सीरीज आपके पास गिवेन है सीरीज क्या है फोर ट्वेल्व थर्टी सिक्स एंड ए क्या होगा फर्स्ट टर्म ए आपका फोर हो गया आर क्या होगा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म एक ही बात हुआ सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म ट बाई फोर मीन्स आपका आर का वैल्यू आ गया थ्री कोई कंफ्यूजन नहीं अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है एन का वैल्यू आपके पास फाइव है फिफ्थ टर्म ही आपको फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप जानते हैं टी एन इक्वल टू ए आर एन माइनस वन क्या लिखेंगे आप T5 फाइव इक्वल टू फोर ए का वैल्यू r का वैल्यू थ्री n का वैल्यू फाइव माइनस वन क्या लिख दे का पावर फोर तो पहले आपको थ्री का पावर फोर सॉल्व करना है और थ्री का पावर फोर 81 वन होता है और एट्टी वन में फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री ट्वेंटी फोर और यही आपका आंसर होगा तो बिल्कुल लीजिए मैं समझ रहे हैं डे स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं है और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है डी स्टूडेंट विच टर्म ऑफ सीरीज विच टर्म ऑफ दीरीज वन बाई ट्वेंटी सेवन प्लस वन बाई नाइन प्लस वन बाई थ्री प्लस डॉट 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 इज टू फोर्टी थ्री मीन्स इसमें आपको एन फाइंड करना है विच टर्म पूछा है इस सीरीज का तो आप कैसे फाइंड करेंगे बिल्कुल इजी वे में हम फाइंड करेंगे देखे ध्यान से सीरीज क्या दिया है वन बाई ट्वेंटी सेवन प्लस वन बाई नाइन प्लस वन बाई थ्री प्लस टू फोर्टी थ्री ये सीरीज है आपका इसमें वैल्यू किसका क्या है ये का वैल्यू आपके पास क्या मिलेगा वन बाई ट्वेंटी सेवन फर्स्ट टर्म अब आपको कॉमन रेशियो निकालना है तो कॉमन रेशियो आर इक्वल टू क्या लिखेंगे सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म क्या है आपका वन बाई नाइन डिवाइडेड बाई वन बाई ट्वेंटी सेवन वन बाई नाइन इंटू ट्वेंटी सेवन बाई वन नाइन से ट्वेंटी सेवन कट गया मीन्स आर का वैल्यू क्या आ गया आपका आ गया कोई कंफ्यूजन नहीं और आपको tn दिया है कौन सा टर्म पूछा एन पूछा है tn फोर्टी थ्री दिया हुआ है आपके पास या फिर इसको आप एंथ टर्म भी लिख सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं तो यहां tn का फॉर्मूला क्या है टी एन इक्वल टू क्या होता है ए इंटू आर एन माइनस वन क्या लिख स्टूडेंट केयरफुली देखें टी एन टी एन का वैल्यू है टू फोर्टी थ्री इक्वल टू ए का वैल्यू वन बाई ट्वेंटी सेवन आर का वैल्यू थ्री और एन माइनस वन कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है अब थोड़ा सा यहाँ पे आप एक बात मुझे बताएं इसको अब हम लिख क्या सकते हैं ये ट्वेंटी सेवन यहाँ मल्टीप्लाई में है जब इसके पास जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो इसको लिख दे टू फोर्टी थ्री यहां इंटू वन बाई है तो इसके साथ गया तो मल्टीप्लाई हो गया ट्वेंटी सेवन और इक्वल टू तो यहां क्या हो गया थ्री का पावर एन माइनस वन बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं आप देखें इसको अगर आप थ्री के फॉर्म में ब्रेक करें और इसको तो ईजी वे में ब्रेक हो जाएगा और ये ब्रेक होकर के क्या आएगा आपका ओवरऑल ये आपका हो जाएगा थ्री पावर फाइव इन और ये हो जाएगा थ्री पावर थ्री और यहाँ थ्री पावर एन माइनस वन लिख दिए इसको बेस सेम है पावर प्लस कर देंगे थ्री पावर एट इक्वल टू थ्री पावर एन माइनस वन और इसका आप एक ऑलरेडी आइडेंटिटी जानते हैं कि ए पावर एम हो और इक्वल टू ए पावर एन हो तो आप इसको क्या लिख सकते हैं एम इन एन मीन्स पावर इक्वल हो जाता है बेस कैंसिल हो जाता है लेकिन इस कैंसिल को दिखाते हम शो नहीं करते हैं डायरेक्ट लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे डायरेक्ट एन माइनस वन इक्वल टू एट ए इसके इक्वल या इसके इक्वल मींस एन का वैल्यू आपका आ गया एट प्लस वन और का वैल्यू हो जाएगा आपका नाइन मीन्स आपका आंसर क्या होगा इसका जो नाइन्थ टर्म होगा नाइन्थ टर्म जो होगा वही आपका क्या होगा टू फोर्टी थ्री थ टर्म इज 243 तो इस फॉर्म में आपको डी स्टूडेंट आंसर देना है तो आप अच्छे से समझ रहे हैं अब आज के क्लास में इसी पे स्टॉप करेंगे डी स्टूडेंट और अगले क्लास में फिर हम लेकर के आएंगे जी से रिलेटेड आप मेरे वीडियो को कंप्लीट देखने का कोशिश करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और लाइक करें थैंक्स फॉर वॉचिंग है नाइस डे